जन जन को सड़क सुरक्षा के नियमों व कानूनों के प्रति जागरूक करने हेतु सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में संस्था शिवगंगा सेवा समिति केंद्रीय कार्यालय नंबर 9/3 जवाहरलाल नेहरू रोड जॉर्ज टाउन प्रयागराज का लाल चौक पुलिस चौकी झूंसी प्रयागराज में 6 नवंबर को एक दिवसीय कार्यक्रम पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष रमेश चंद्र यादव सड़क सुरक्षा अभियान में हेलमेट लगाने के लिए सीट बेल्ट के प्रयोग करने के लिए निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति को गाड़ी पर न बैठाएं, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाएं, चौराहे पर लाल बत्ती नियमों का पालन करें, पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। राम विलास यादव, राहुल प्रकाश यादव, CMP डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर राम चिरंजीव आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए सुनील कुमार मौर्य की खास रिपोर्ट। अपना परिचय बताइए। हमारी संस्था शिवगंगा सेवा समिति चौरा कला उज भदोही की यह संस्था है। सड़क सुरक्षा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह एवं शिवगंगा सेवा समिति के तत्वाधान में यह प्रायोजित है। हम ये चाहते हैं कि जो मानव है वह कानून एवं नियमों का पालन करें, जिससे कि जीवन उनका सुरक्षित रह सके। और सीट बेल्ट लगाने से जो चार पहिया वाहन है उनका जीवन 70% के करीब जो है सुरक्षा उनको प्रदान कर देती है। एवं अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आप हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। हेलमेट के प्रयोग करने से आपका जीवन 90% सुरक्षित हो जाएगा। और जो आपका साथी अगर बैठा है तो उसको भी सलाह दीजिए कि हेलमेट वो लगाए, इससे वह भी सुरक्षित रहेगा। एवं लाल बत्ती होने पे कृपया करके वाहन को रोक दें और अपने इंजन को रोक दें। अपना इंजन जब बंद कर देंगे तो प्रदूषण नहीं फैलेगा, और प्रदूषण नहीं फैलेगा तो जो हमारा वातावरण है वह सही रहेगा। इसलिए आप लाल बत्ती देखते हैं तो वहाँ तुरंत अपने इंजन को बंद कर दीजिए, जिससे कि वायु में प्रदूषण न फैल सके। एवं हरा बत्ती होने पे आप जो है वह सड़क को पार करें। इसी प्रकार नियम एवं कानून के बारे में जानकारी अवश्य रखें।